अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग कैसे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अनुश्रा व्लॉग्स। माय नेम इज़ अनुश्रा शब्बीर। तो आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप लोग अपनी चैट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपना वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं, आप अपनी पिक कैसे लगा सकते हैं इसके ऊपर। बेसिकली यहाँ पर तीन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप लोग किसी भी अपनी चैट का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, अपनी पिक लगा सकते हैं। तो उन तीन फंक्शंस के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी चैट को ओपन कर लेना है और टॉप वाली रो के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ऐसे कुछ थ्री डॉट्स नजर आएंगे। यहाँ पर छह ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले के ऊपर लिखा होगा थीम, पहले कुछ लोगों के पहले के ऊपर नहीं लिखा होगा और यहाँ पर कहीं लिखा होगा, आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। मेरे पहले के ऊपर लिखा है इसलिए मैं पहले के ऊपर ही क्लिक करूँगी। थीम के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा कलर्स आ गए हैं। और यहाँ पर अगर आप लोगों को और चाहिए तो आप लोग शो मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे कलर्स आ गए हैं। ये कलर्स जो हैं ये यहाँ पर, ये पहले कलर्स हैं जो मैंने सिलेक्ट करके किए हुए थे। ये जैसे कि मैंने पहले से ये वाला ब्लू कलर किया हुआ है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली टिक का निशान खुद ही लग गया है। तो चलें भाई, अब हम लोग देखते हैं इनमें से मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने जब शो मोड किया तो पर्पल भी अच्छा, लेकिन नहीं ये मुझे अच्छा लग गया। तो मैं इसको ऐसे इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। जस्ट आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा। फिर आप लोगों ने नीचे जो अप्लाई का ऑप्शन होगा अप्लाई कर देना। आपके चैट के ऊपर ऑटोमेटिकली वो देखें अप्लाई हो चुका है। तो अब हम लोग, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी जी कैसे आप अपनी पिक लगा सकते हैं। जी कैसे आप अपनी पिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का मार्क नजर आएगा, देखिए ऑटोमेटिकली उसी कलर के ऊपर हो गया है टिक। पहले आप लोगों को यहाँ पर प्लस का मार्क नजर आएगा, आप लोगों ने उसको क्लिक करने ऊपर लिखा होगा माई थीम्स। आप लोगों ने जब उसको क्लिक कर लिया है तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगी कुछ ऐसी चीज़ें, आप लोगों की अपनी गैलरीज नज़र आ जाएंगी। जैसे अब मैं, आप लोग अपनी भी पिक्स लगा सकते हैं ऐसे फाइंड करके। ज़्यादातर मेरी काम की पिक्स हैं यहाँ पर, आप अपनी भी फाइंड करके ऐसे पिक लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को लगाने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि अब ये देखें, ये मैंने वैसे ही मजाक किया था, इसको इग्नोर कर दिए। जैसे अब ये देखें मेरी ऐसे ये वाली एक पिक है। सो मैं अब इसको अपना, मैं चाहती हूँ कि मैं बस अपने इतने से को लाऊँ या फिर अपने मुंह को लाऊँ, मतलब अपने फेस को लाऊँ। तो चलें भाई, इसको ऐसे अब आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आ गया, वैसे तो मैं अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, आप लोगों से खाते सिखाते। चलो मैं भी अपनी जो है वो चैट का कलर अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो ड्राॅइंग डाउनलोड की थी मैं वो करूँगी। ये देखें, स्केच एक बनाई हुई थी उन्होंने, तो फिर वो मैंने डाउनलोड कर ली गूगल से निकाल के। आप लोग गूगल से भी निकाल के अगर आप लोगों का दिल कर तो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये कर ली और यहाँ अप्लाई हो गया। आप ब्राइटनेस भी कर सकते हैं इसकी, लेकिन ब्राइटनेस फिर ये होगी कि आपको पिक सिर्फ नज़र आएगी 100% अगर आप करेंगे। थोड़ी थोड़ी आपको जैसे इतनी कर लें, 73% कर लें, या फिर आप कर लें 75-76 कर लें, इसमें आप लोगों को क्लियर वगैरह नज़र आ जाएगा ड्राइंग भी आप लोगों की। तो ये देखें, डन हम लोगों ने अब कर दिया है। और यहाँ पर फिर आप लोगों को ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, फिर अप्लाई कर देना आप लोगों ने। तो ये देखें ऑटोमेटिकली होगा। आप अपनी भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर से पिक लगा सकते हैं। जैसे कि अब मैं आप लोगों को एक बार पिक का भी लगा दूँ, कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। जैसे ही मैंने उमरा के पहले की हुई थी, मेरी तो आ गई क्योंकि मैंने उमरा का पहले किया हुआ था, तो फिर मैं उमरा की ये वाली पिक उठा कर लगा दूँगी। जैसे अब मैंने ये वाली लगाई हुई है पिक, तो मैं अब ये लगाने लगी हूँ। मैं आप लोग फाइंड करके, जैसे माई थीम्स में आप लोगों को मैं बताया, माई थीम्स में जाके आप अपनी पिक को ऐसे जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरी कुछ पिक्स हैं, ये वाली पिक है मेरी, उसको मैं लगा सकती हूँ। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलें भाई, मैं आप लोगों को बता दिया है। अब मैं इसको उमरा की पिक को यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ, हो गया। अब हम लोग वॉलपेपर लगाना सीखेंगे। तो वॉलपेपर के लिए भी सेम प्रोसीजर है भाई, इसको ऐसे क्लिक किया, लेकिन हाँ उसमें यहाँ पर देखें नीचे आप लोगों को आगे ये देखें यहाँ पर आ गए हैं लैंडस्केप्स वगैरह आ गए हैं। जैसे आप लोग और भी कर सकते हैं, शो मोर के ऊपर बस आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर देखें मुझे, जैसे आप लोगों को डाउनलोड करने पड़ेंगे, जैसे मैंने अभी डाउनलोड नहीं किए हुए हैं, मैं फटाफट सब डाउनलोड्स कर लेती हूँ तब फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी मैंने डाउनलोड कर लिए हैं ये सारे, और अब इनमें से जो मुझे पिक अच्छी लग रही है वो मैं लगा दूँगी। सो मुझे इनमें से अच्छी लग रही है जी ये वाली, ठीक है। सो अब मैं लगाने लगी हूँ ये वाली। और ये देखें, ये कीबोर्ड आप ऐसे भी कर सकते हैं, की बॉर्डर, हाँ जी, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसको बस हम लोगों ने अब अप्लाई कर दिया।
तो ये देखें हो गया अप्लाई। तो बस आप लोगों ने अब सीख लिया कि कैसे हम लोग अपनी जो है वो चैट का कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी पिक्स लगा सकते हैं, अपना वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अब सीख लिया है। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी भी कोई भी सीख पता चले, मतलब आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला हो, काफ़ी छोटे मतलब मेरे एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं आता ऐसा, मोस्टली मतलब इतने भी नहीं बच्चे होते हैं। जैसे मैंने जो है वो हमारे घर में अरीबा की मिसाल ले, अरीबा को ये वाला चीज़ें मतलब नहीं करनी आती हैं, बाकी सब करनी आती है, उसको ये करनी नहीं आती हैं। लेकिन अब जब वो ये वीडियो देखेगी ना तो वो खुद ही करेगी। मुझे जब मैं अपने बहनों से भी वो कहती है कि मुझे कर दो चैट का चेंज कलर, तो वो ना मतलब कर देती हैं लेकिन उसको समझ नहीं आती कैसे। अब वो जब ये टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखेगी मेरी तो फिर वो खुद ही सीख लेगी। तो जी आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।